नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2023 का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात करी, जहां पर क्लीन प्लांट्स उगाए जाएंगे और किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये क्लीन प्लांट्स होते क्या हैं और क्लीन प्लांट्स बनाए कैसे जाते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स, ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत के टोटल जीडीपी का 20.19% एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन टोटल एग्रीकल्चर का 33% सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आता है। ये इम्पोर्टेंस है हॉर्टिकल्चर की। टोटल एग्रीकल्चर से जितना भी रेवेन्यू आता है, उसका 33% हॉर्टिकल्चर से आता है। भारत में मात्र 10% लैंड ही हॉर्टिकल्चर के लिए यूज की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का टोटल जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिट का 33% सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आता है। लेकिन ये इंडस्ट्री काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, यहाँ पर काफ़ी लेबर की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के द्वारा अगर छोटा सा भी पुश दिया जाए तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकती हैं। तो इन्हीं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ये करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से और गवर्नमेंट स्कीम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल। किसानों तक जो भी हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं, उन तक डिजीज फ्री किसी भी बीमारी से रहित प्लांट मटेरियल को पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर किसी प्लांट में लगाने से पहले ही बीमारी है तो फिर वो एक अच्छा ना तो पेड़ बन पाएगा और ना ही उसमें अच्छा प्रोड्यूस बनेगा, ना ही उसमें एक अच्छी क्रॉप निकल कर आएगी। तो यही कारण है कि एक डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल अवेलेबल कराना इस प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। इससे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की वैल्यू को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हमारी केंद्र सरकार ने इस स्कीम के लिए 2200 करोड़ रुपये को एलोकेट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ क्लीन हॉर्टिकल्चर प्लांट्स को ही यूज करेगी और क्लीन प्लांट्स के यूज को प्रमोट करेगी। तो अब सवाल आता है कि आखिरकार ये क्लीन प्लांट्स होते क्या हैं? देखिए दोस्तों, क्लीन प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनको प्लांटेशन से पहले सॉइल में जब उनको उगाया जाएगा, उससे पहले उनमें बहुत सी चीज़ों के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि उनमें देखा जाएगा कि क्या उस प्लांट में वायरस, बैक्टीरिया या फंगस तो नहीं है, और अगर इनमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट में मिलता है या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्लांट इन्फेक्टेड होता है तो उसे प्लांट नहीं किया जाएगा। इसके साथ जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनको क्लीन प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वो क्रॉप्स जिनसे हमें ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगा, ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो जो भी प्लांट्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं उन्हें क्लीन प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। कुछ प्लांट्स को कंट्रोल कंडीशन में भी मेंटेन किया जाएगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया जा सके। अब हमने ये देख लिया कि क्लीन प्लांट्स होते क्या हैं, उनमें किन किन चीज़ों की टेस्टिंग होगी, मगर सवाल ये है कि क्लीन प्लांट्स बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि प्लांट्स को किसी भी पैथोजन के लिए चेक किया जाएगा। पैथोजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आएगा तो उसको पैथोजन कहेंगे। तो जो भी हमारी बॉडी का अपना अंदर का नहीं है, जो भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर का है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो प्लांट्स में सबसे पहले पैथोजन्स को चेक किया जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनमें से एक्टिवली कौन ग्रो कर रहा है। जो भी एक्टिवली ग्रो कर रहा है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर जो भी प्लांट एक्टिवली ग्रो कर रहा होगा उसके टिश्यू सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। अब इन टिश्यू सैंपल से होगा क्या, फिर इन टिश्यू सैंपल्स को जो बाकी प्लांट्स हैं उनके साथ फ्यूज किया जाएगा ताकि बाकी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज की जा सके। इस प्रकार से क्लीन प्लांट्स बनाए जाएंगे और ये प्लांट्स फिर किसानों तक पहुंचेंगे, और फिर इनको जब किसान लगाएंगे तो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, हॉर्टिकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे बढ़ावा मिलेगा, हॉर्टिकल्चर में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और ज़्यादा प्रोड्यूस निकलेगा, और जितना ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगा उतना ज़्यादा किसान पैसा कमाएगा।
तो यह है आत्मनिर्भर क्लीन प्लान प्रोग्राम, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपने 2023 के बजट में अनाउंस किया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जीके टिक्स की तमाम वीडियोस के लिए आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।